हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 4 जून, तो हरियाणा की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी सीरीज नहीं देखी है तो मैं इसके अलावा दिल्ली और उत्तराखंड की न्यूज भी हम कवर करते हैं ताकि आप लोगों को घर बैठे सारी अपडेट मिलती रहे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज है 4 जून, 4 जून की हरियाणा की खबरें इस वीडियो में हम देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश के जिला उपायुक्तों व वरिष्ठ अधिकारियों से चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में संवाद किया और हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आगामी 8 जून को अब सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होगी। जो वैलिडिटी है वेरियस टीचिंग एग्जाम्स की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टैट होते हैं, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, जैसे एसटेट है या यूपी टेट है या उत्तराखंड टेट है या फिर सी टेट है, उन सभी की वैलिडिटी को अब लाइफ टाइम कर दिया गया है इफेक्टिव फ्रॉम 2011। तो अगर आपने 2011 में दिया है सी टेट या उसके बाद दिया है या कोई भी टेट उसके बाद दिया है तो उसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम रहेगी। सरकार दोबारा से आपको जो सर्टिफिकेट्स है वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सर्टिफिकेट्स आपको दोबारा प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपने 2011 से पहले दिया है टेट तो उसके लिए अब आपको दोबारा से देना होगा और उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DSSSP के आप वेट कर रहे थे एग्जाम का, क्योंकि PSET मेल के लिए एग्जाम होने थे तो वो भी अभी पोस्टपोन हो चुके हैं, DSSSP का नोटिस आ चुका है। हरियाणा में विशेष अभियान के तहत अभी तक करीब 11,000 दिव्यांग नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रदेश सरकार पर्याप्त स्टॉक के साथ राज्य के सभी पात्र नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने का हर संभव प्रयास में निरंतर जुटी है। तो वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया है, जिसने 2011 से पहले दिया है तो वो अपना फॉर्म एक बार दोबारा से भरें और उनको दोबारा देना होगा। सरकार को मिला हाथ, नहीं रहेगा कोई बच्चा अनाथ। तो कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की योजना है कि 18 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा, अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपये वार्षिक। बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जाएंगे। 18 वर्ष तक खाते में 1,500 रुपये प्रति महीना जमा किए जाएंगे और किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कोविड प्रभावित बच्चों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की योजना है कि 18 साल हो जाने पर दिया जाएगा मासिक वजीफा, 23 साल का होने पर PM केयर से मिलेंगे 10 लाख रुपए और बच्चों की मुफ्त शिक्षा की जाएगी सुनिश्चित। 18 साल तक आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त बीमा, PM केयर से दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए लोन व ब्याज। तो ये केंद्र सरकार की योजना है और ये जो योजना है ये हरियाणा सरकार की योजना है। हरियाणा के उद्यमियों का डाटाबेस तैयार होगा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। राहत पैकेज की बात की जा रही है उद्यमियों के लिए, तो उद्यम स्तर पर उपयोगकर्ता ऑनलाइन पंजीकरण या आवेदन पत्र भरकर या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर UID के साथ लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन कैसे करना है इसकी वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। सभी कर्मियों का डाटाबेस तैयार होगा। HUM पोर्टल सभी उद्यमों को विशिष्ट पहचान यानी कि UID प्रदान करता है, चाहे वह दुकान हो, MSME और बड़े उद्योग हो, ताकि एकीकृत तरीके से अनुमति और सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके अलावा हरियाणा उद्यम ज्ञापन HUM पोर्टल उद्यमों द्वारा लगे श्रमिकों के पंजीकरण को भी सक्षम करेगा। यह राज्य में औद्योगिक इकाइयों में लगे सभी कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करेगा और COVID-19 महामारी के दौरान हुए अनुभव वाले प्रवासी श्रमिकों का विवरण भी तैयार किया जा सकेगा। पहले से पंजीकृत होने के बाद भी आपको पंजीकरण करवाना है। पंजीकृत सभी प्रकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम दुकानें या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सेवा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान और इकाइयां, चाहे वह पहले से ही हो, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, वह शीघ्र अतिशीघ्र हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम यानी कि HUA पोर्टल पर पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के सूत्रीकरण और क्रियान्वयन हेतु प्रमाणीकृत डाटा प्राप्त हो सके तथा पंजीकृत उद्यमी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पात्र बन सके। पंजीकरण के समय किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदनकर्ता 1800 200 00
23, या फिर मोबाइल नंबर है 7988285395 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के परिवहन तथा खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने दूसरे राज्यों, खासकर राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के नोएडा और पंजाब से खनन सामग्री लाने या ले जाने वाले ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश ओवरलोडिंग को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। मूलचंद बुधवार को परिवहन, खान व भू विज्ञान विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा में सूरजमुखी के बीज से उत्साहित उत्पादकों को एमएसपी से अधिक कीमत मिली है। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने भी 1 जून से एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शहरों से ज्यादा हरियाणा के गांव कोरोना से सुरक्षित हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से 11 जिलों में स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान गांवों में कुल 3422 पॉजिटिव मिले हैं। जज्जर में एक गांव में बने आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ एक मरीज भर्ती है। प्रदेश के बाकी ग्रामीण आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से खाली हैं। हरियाणा के 12 जिलों को जल्द ही DHBVN से बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकती है, MD बलकार सिंह का कहना है ये। तो अधिकारियों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों और उद्योगों के अलावा 5 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, फतेहाबाद, सिरसा और रेवाड़ी और फरीदाबाद के सभी गाँव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। केंद्र चाहता है कि किसान आंदोलन का आधार दिल्ली की सीमाओं से हरियाणा स्थानांतरित करे, यह त्रिकेत का कहना है। तो हरियाणा पुलिस का कहना है कि दिल्ली के टीकरी और कुंडली सीमा पर किसानों की संख्या 3 महीनों में 67% से भी कम हो गई है। किसान नेताओं का कहना है कि वे सिर्फ एक कॉल से संख्या बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में 99 वर्षीय महिलाओं ने आशा कार्यकर्ताओं की सहायता से होम क्वारंटाइन में COVID-19 को हराया है। लड्डो देवी के पोते दक्ष ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं और आयुष्मान भारत के अधिकारियों ने उनके घरेलू संगरोध उपचार यानी कि होम आइसोलेशन के दौरान परिवार की मदद की। एक महिला और उसके 24 वर्षीय बेटे को स्थानीय पुलिस ने सेक्टर 7 में हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन के घर में कथित रूप से घुसने और एक पुलिसकर्मी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसी महिला को पहले अप्रैल में वर्धन के घर में घुसने और एक पुलिसकर्मी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों भी काफी संख्या में कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में 16 विभागों के 250 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इनमें 23 कर्मचारी नेता शामिल हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इन मौतों पर गहरा दुख प्रकट करते हुए मारे गए सरकारी कर्मचारियों की सहायता की मांग की है। संघ ने कहा है कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी देगी। प्रदेश के करीब 18,000 निजी स्कूलों से जुड़े 7.5 लाख से अधिक शिक्षकों की महामारी ने कमर तोड़ दी है। कोरोना महामारी ने प्रदेश के करीब 18,000 निजी स्कूलों से जुड़े 7.5 लाख से अधिक शिक्षक या तो दूसरी और कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं, हजारों शिक्षक क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं, या राज्य के करीब 80% निजी स्कूलों के शिक्षक रोजगार की जंग लड़ रहे हैं। स्कूल संचालकों का तर्क है कि कोरोना काल में पिछले 1.25 साल में बच्चों की फीस ही पूरी नहीं मिल पा रही है, तो कैसे शिक्षकों का पूरा वेतन चुकाएं। ऐसे में कई निजी स्कूलों के मजबूर शिक्षकों ने रोजगार की राह बदल रही है। कई शिक्षकों ने गांव में परचून की दुकान खोल ली है, तो कई अध्यापक खेतों में सब्जी उगा रहे हैं, तो किसी ने ठेके पर जमीन लेकर कपास की खेती की है, तो किसी ने अपने हुनर के दम पर दूसरा रोजगार हासिल कर लिया है। हरियाणा में बड़ी घटना की जेल तोड़कर भाग गए हैं 13 संक्रमित बंदी, तो गांव-गांव तलाश कर रही है पुलिस। हरियाणा जेल जो हरियाणा के रेवाड़ी में बनाई गई कोरोना जेल की बैराक की ग्रिल को काटकर 13 बंदी फरार हो चुके हैं। हरियाणा एजुकेशन मंत्री कंवरपाल ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड 12वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों को मानते हुए इंटरनल असेसमेंट करेगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 10वीं की परीक्षा के नतीजे भी 15 जून तक जारी कर सकती है। हरियाणा में कोरोना से थोड़ी राहत भरी खबर है। 2 माह बाद सबसे कम 1171 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश के 18 जिलों में संक्रमण 78 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि इस दौरान 2705 लोगों ने भी कोरोना का मौत दी है। एमिनेंट राइटर थे प्रोफेसर DR चौधरी, उनका देहांत हो गया है।
बाबा राम रहीम को VVIP ट्रीटमेंट देने के मामले में हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। राम रहीम का अस्पताल में इलाज किया था और लोगों को अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जब वह अपना इलाज करवा रहे थे। हरियाणा सरकार और पुलिस बलात्कार के एक दोषी को विशेष उपचार देना जारी रखे हुए हैं और अस्पतालों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसी तरीके की घटना हुई कुछ दिनों पहले, राम रहीम का इलाज किया गया और उन्हें एक स्थानीय सरकारी अस्पताल में वे सभी असाधारण सुविधाएं दी गई जो किसी अन्य दोषी को नहीं मिलती हैं। एक दोषी को इस VVIP ट्रीटमेंट से मरीजों को अस्पताल के बाहर 8-9 घंटे खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। तो ये थी दोस्तों हरियाणा की कुछ मुख्य खबरें। इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।